नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र भगवती जगदम्बा की आराधना का पर्व है। प्रथमा से नवमी तिथि तक हर तिथि को माँ भगवती के अलग अलग नौ रूपों की पूजा आराधना की जाती है और माँ के स्वरूप की कथा सुनी जाती है। नवरात्र की प्रथमा तिथि को माँ शैलपुत्री, द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया को माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी को माँ कूष्मांडा, पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता, षष्ठी को माँ कात्यायनी, सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी तिथि को माँ महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्र का हर दिन देवी भगवती की इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। नवरात्र की नवमी तिथि को माँ भगवती के सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है और माँ की कथा सुनी जाती है। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वो अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। देवी पुराण की एक कथा के अनुसार शत्रु से पराजित हो चुके महाप्रतापी राजा सुरथ ने मेधा मुनि के आश्रम में शरण ली। वहां शांत वातावरण में रहते हुए राजा का मन अपने राज्य को खोकर भी सदैव उसी के ध्यान में लगा रहता था। मेधा मुनि के आश्रम के निकट उन्हें एक दिन वैश्य समाधि मिले, जिन्हें उनके आत्मीय स्वजनों ने धन के लोभ में घर से निकाल दिया था, किंतु उनका मन सदैव अपने घर वालों के ध्यान में लगा रहता। उन दोनों ने मेधा मुनि से अपनी मनोदशा का वर्णन किया। राजा ने कहा, मेरा चित्त मेरे अधीन नहीं है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें अभी भी मेरी आसक्ति बनी हुई है। यही हाल श्री समाधि का भी है। ये घर से अपमानित होकर आए हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है, फिर भी इनका हृदय उनके लिए व्याकुल रहता है। सब जानने के बावजूद हम दोनों के मन में इस प्रकार मोह और अज्ञान क्यों बना हुआ है? तब मेधा मुनि ने जगत को धारण करने वाली देवी के महात्म के बारे में उन्हें बताते हुए कहा, ये मनोदशा जगत को धारण करने वाली देवी का ही प्रभाव है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा भगवती द्वारा ही सभी मोहित होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए आप दोनों उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। आराधना करने पर वो अपने भक्तों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मेधा मुनि की बात सुनकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि नदी के तट पर चले गए और तपस्या करने लगे। पहले आहार कम करके और फिर बिल्कुल निराहार रहकर पुष्प धूप अर्पित करते हुए और हवन करते हुए देवी की साधना करने लगे। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब राजा सुरथ ने दूसरे जन्म में कभी नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में शत्रु को पराजित कर पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य समाधि का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था। उन्होंने ममता और अहंकार रूपी आसक्ति को नाश करने वाला
ज्ञान मांगा। देवी ने इस जन्म में राज्य की पुनः प्राप्ति का आशीर्वाद देकर राजा सूरत को अगले जन्म में मनु के नाम से विख्यात होने का वरदान दिया और वैश्य समाधि को मोक्ष के लिए ज्ञान दिया। राजा सूरत और वैश्य समाधि की भांति देवी भगवती अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि जीवन में पुरुषार्थ आवश्यक है तो समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साहस और लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। यदि अत्यधिक मोह के कारण मन दुर्बल है तो माँ के आशीर्वाद से मन को शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुभ मनोरथ के साथ माँ से जो भी कामना की जाती है अथवा किसी कार्य विशेष की पूर्ति के लिए माँ से आशीर्वाद मांगा जाता है तो भगवती की दया से संकल्प सिद्ध होते हैं। सच्चे मन से अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करने और माँ की कथा सुनने से भगवती की कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करना संभव है। सभी सिद्धियां देने वाली, पूर्ण मनोरथ करने वाली, भक्तों के दुख हरने वाली, सब पर कृपा करने वाली सिद्धिदात्री माँ, सिद्धिदात्री माँ। ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः। अगर 9 रूप 9 दिन 9 कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ अशोक हमराही।